ग्वालियर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने अपनी बाइक से कार में टक्कर मारी, फिर पिस्टल लड़ाकर डॉक्टर को उसकी कार में बंधक बना लिया। इसके बाद कई घंटों तक गुंडे उसे शहर में घुमाते रहे। बदमाशों ने उसे छोड़ने के लिए 40 लाख रुपये का इंतजाम करने के लिए कहा। डॉक्टर ने 4 लाख रुपये देकर अपनी जान बचाई। बदमाश कार सहित उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। इसकी शिकायत डॉक्टर ने थाने पहुंचकर की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ठाटीपुर थाना क्षेत्र के मोहन नगर निवासी डॉक्टर प्रमोद पहाड़िया अपने क्लिनिक से घर खाने के लिए जा रहे थे। जब वह सुरेश नगर के लिए मुड़ रहे थे, तभी बाइक उनके कार से टकराई। बाइक पर 3 युवक सवार थे। डॉक्टर को शौच पता, उससे पहले ही डॉक्टर बाइक सवार ने उस पर अकड़ना शुरू कर दिया। एक ने पिस्टल अड़ा दी और डॉक्टर को उनके ही कार में अपहरण कर बंधक बना लिया। पिस्टल अड़ाने वाला बदमाश ड्राइविंग सीट पर आ गया और 2 बदमाश डॉक्टर के आसपास बैठ गए। वो गाड़ी चालू कर सड़क पर घुमाते रहे। बदमाशों ने डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देते हुए 40 लाख रुपये की डिमांड की, लेकिन डॉक्टर के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। बदमाश बाद में चालकों पर लेकर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी बदमाशों ने डॉक्टर से उसके पिता को कॉल करवाया, बताया कि कोई अभी घर आएगा, उसे इतने पैसे दे देना। करीब 3 घंटे के बाद बाइक से एक युवक डॉक्टर के पिता के पास पहुंचा और केस लेकर निकल आया। इसके बाद देर रात बदमाश डॉक्टर को कार में छोड़कर फरार हो गए, जिसका डॉक्टर सीधे थाने पहुंचा, पुलिस को घटना बताई और शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के बाद घटनास्थल से लेकर जहाँ जहाँ उसे घुमाया गया वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टर का अपहरण का मामला सामने आया, क्या तुमने उसको क्या कार्रवाई किया? हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रमोद पारिया जी, उन्होंने कल रात को थाने में आकर के रिपोर्ट करी है कि कुछ अज्ञात 4 बदमाशों द्वारा उनका अपहरण कर उनसे लगभग 4 लाख रुपए की फिरौती वसूल कर ली है। मामले पर संज्ञान में आते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बताया गया और तत्काल मामला दर्ज करके अज्ञात आरोपी को दिलाई जारी कर दी। तो क्या लगता है कि क्या वजह थी इसकी अपहरण करने की? तो पैसों की लेकर क्या पहचानते थे कोई? नहीं, अभी तक तो ये जो भी स्थिति है वो यही है कि वो पैसों के लिए उनका अपहरण किया गया था, ऐसा उनका कहना था, और सुरक्षित हैं वो और अपने घर पहुंच चुके हैं। हम अज्ञात आरोपी की तलाश कर रहे हैं। बता रहे 40 लाख की डिमांड की थी, फिर 4 लाख दिए। जी जी, वो उनका यही कहना था कि 40 लाख रुपये प्रारंभिक तौर पर मांगे थे, लेकिन 4 लाख पे वो प्रोफिट समाप्त कर दिया गया था उनके द्वारा। क्या कर रहे हैं अभी? मुकदमा कायम करके अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है।